This lecture is the second part of types of isolated singularities. कोई भी function दिया है, आपको सबसे पहले क्या करना है? यदि उसमें denominator दिया है, तो उसको हम zero से equate करेंगे और फिर we will get the values for z और वो होंगी उसकी isolated singularities. अब इसके बाद पता करना है कि किस तरह की singularity है. उसके लिए let us now solve some examples to understand the concept of isolated singularities. क्वेश्चन है, डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन. क्वेश्चन, fz इज इक्वल टू ez अपॉन z स्क्वायर प्लस 4. डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करने पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2i. और लिमिट z टेंड्स टू 2i fz इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी इन्फिनिटी. तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं? प्लस 2i और माइनस 2i दोनों क्या होंगे? दे विल बी द सिंपल पोल्स ऑफ द गिवन फंक्शन. अगला क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड. जो साइन जेड है उसका जो एक्सपेंशन होता है उसमें कितने टर्म्स होते हैं? देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. दूसरी चीज, साइन जेड की जो लिमिट होगी वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो क्लियरली वी कैन से एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी साइन जेड हैज असेंशियल सिंगुलैरिटी. यही केस होगा किसमें? व्हेन द फंक्शन इज कॉस जेड, इसमें भी यही केस रहेगा. सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड और क्या होगा? ई रेज टू पावर जेड. इन सभी केसेस में वी विल गेट असेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी. अगला क्वेश्चन, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1. पहली चीज तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है? जेड स्क्वायर. तो जब हम डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे तो जेड इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2. अब हमको देखना है ये जो हमारे टर्म है साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1, क्लियरली इसके एक्सपेंशन में वी विल गेट इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. दूसरी चीज, इसकी लिमिट हम चेक करते हैं. लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 1 ऑफ एफ जेड, दिस वैल्यू यदि यहां पर हम 1 रखेंगे तो ये जो फंक्शन है हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा. तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो क्लियरली वी कैन से दैट जेड इक्वल टू 1 इज द असेंशियल सिंगुलैरिटी. और हमें दूसरा केस क्या मिला है? जेड इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2. तो जरूरी नहीं हमें फंक्शन में एक ही तरह की सिंगुलैरिटी मिले, हमें दो तरह की सिंगुलैरिटी भी वहां पे मिल सकती है. लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, fz इज इक्वल टू साइन z अपॉन z माइनस 5 होल स्क्वायर. सिंगुलैरिटी में हमें ध्यान रखना है, वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन न्यूमरेटर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है. सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? जो डिनोमिनेटर है उसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमें z की क्या वैल्यू मिल गई? 5. नाउ लिमिट z टेंड्स टू 5 of fz is equal to infinity. तो ये क्या केस हुआ? This is the case of pole. यहाँ पर ये जो function है इसके principal part में finite number of terms है, तो ना तो ये removable case होगा और ना ही ये essential का case होगा. It is a clear case of a pole. Therefore we can say z equal to pi is a पोल ऑफ ऑर्डर 2. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सिर्फ हमें z इक्वल टू पाई नहीं लेना है, जो भी इसके ऊपर ऑर्डर होगा वही उस पोल का भी ऑर्डर होगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल जब भी आप फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का सिंगुलैरिटी निकालेंगे, यू हैव टू सी कि उसके ऊपर ऑर्डर क्या है, क्योंकि वही ऑर्डर होगा पोल का भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 होल
होल स्क्वायर. इस केस में वी विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, पहली चीज. और दूसरा जो हमें इसका सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से. तो हमें z की क्या वैल्यू मिल जाएगी, प्लस माइनस i. लिमिट z टेंड्स टू i ऑफ एफ z, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज इनफाइनाइट. सो क्लियरली z इज इक्वल टू प्लस माइनस i विल बी द पोल, क्योंकि उसकी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट आ रही है. दूसरी चीज, फंक्शन का जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं. सो वी कैन से दैट माइनस i एंड प्लस i आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 क्यों होगा, क्योंकि z स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 2. तो जो भी डिनोमिनेटर के ऊपर पावर होगा वही हमारा पोल का भी ऑर्डर होगा. अगला फंक्शन है 1 अपॉन साइन z माइनस cos z. सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, तो क्या मिलेगा, साइन z माइनस cos z इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा साइन z इक्वल टू cos z, दिस विल बी tan z इक्वल टू 1. और ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन दिस इज इक्वल टू tan ऑफ n पाई प्लस पाई अपॉन 4. दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपॉन 4. यहाँ पर n क्या है, n इज एन इंटीजर. एट n इक्वल टू 0 z की वैल्यू क्या होगी, पाई अपॉन 4. अब हम चेक करते हैं कि ये किस तरह की सिंगुलैरिटी है. यदि हम लिमिट देखें तो लिमिट z टेंड्स टू पाई अपॉन 4 ऑफ एफ z इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4. और ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0. एंड दैट इज ये जो लिमिट होगी दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. सो वी कैन से दैट z इक्वल टू पाई बाय 4 इज द पोल ऑफ द फंक्शन एफ z. और ये किस तरह का पोल होगा, इट विल बी अ सिंपल पोल. वी हैव सॉल्व सो मैनी एग्जाम्पल्स जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, कोई भी डाउट ना हो. सिर्फ आपको ध्यान देना है कि तीनों सिंगुलैरिटीज को हम किस तरह से एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो दिस इज वॉट वी हैव फॉर पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस.